मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें देश के नंबर वन नगर निगम के निगम कर्मियों ने मानवीयता की हदें पार कर गरीब और बेसहारा बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को शहर से निकालने का प्रयत्न किया था। निगम कर्मी अपने नापाक इरादों को अंजाम भी दे देते, लेकिन भला हो एक शख्स का जिसकी जागरूकता काम आई, जिसने अपनी दुकान का काम छोड़कर निगम कर्मियों की करतूत को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। फिर क्या था, वायरल वीडियो के बाद निगम कर्मी मुश्किलों में फंसते नजर आए और इसके साथ ही निगम के आला अधिकारियों और सरकार पर भी सवाल उठने लगे। प्रत्यक्षदर्शी राजेश जोशी ने बताया कि पूरा मामला शुक्रवार दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के बीच का है और निगम कर्मी निगम वाहन से बुजुर्गों को टांगा टोली कर उतार कर छोड़ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने वीडियो बनाते वक्त निगम कर्मियों से कई सवाल किए तो निगम कर्मी हड़बड़ा गए। निगम कर्मियों ने राजेश जोशी को बताया कि सरकार का आदेश है, ये सब लोग इंदौर में परेशान कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। बता दें कि राजेश जोशी और अन्य लोगों के हंगामा मचाने के बाद निगम कर्मी आखिरकार माने और बुजुर्गों को वापस इंदौर की ओर लेकर आए। इधर इस मामले के सामने आने के बाद निगम की ओर से मिस हैंडलिंग का दावा कर अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर ने कहा था कि आदेश ये दिए गए थे कि बुजुर्गों को रेन बसेरों में छोड़ा जाए, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी की माने तो गंदगी फैलाने को लेकर बुजुर्गों को शहर से बाहर किया जा रहा था। फिलहाल एक वायरल वीडियो ने न सिर्फ इंदौर वासियों की बल्कि समूचे देश की आंखें खोल कर रख दी है और यही वजह है कि अब फिल्म अभिनेता सोनू सूद भी बुजुर्गों के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने इंदौर वासियों से अपील की है कि अमानवीय घटना निसंदेह दुखद है, लेकिन अब वो बुजुर्गों के साथ मिलकर उनकी मदद करना चाहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। इधर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में 10 रेन बसेरों की व्यवस्था है और ठंड के मौसम में अक्सर बुजुर्गों को वहां ले जाया जाता है। हालांकि निगम के रेन बसेरों के उचित रखरखाव के दावे भले ही पुख्ता हो, लेकिन सवाल यह है कि जो भोजन दिन में 10 रुपए में दिया जाता है, उसे रात में क्यों नहीं शुरू किया जाता है, क्योंकि भूख की पीड़ा तो अक्सर रात में ही शुरू होती है। ऐसे में अब रेन बसेरों को लेकर भी कई सवाल उठने लगे।